व रहमतुल्लाहि व बरकातहू आप देख रहे हैं अफगानिस्तान उर्दू यूट्यूब चैनल और मैं हूँ गुलाम नबी मद्दी आज उनतीस अक्टूबर दो हज़ार बाईस है और आज दिन है हफ्ते का इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान से मुतक अहम ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं सरजमीन अफगानिस्तान से रोजाना ताज़ा खबरें ताज़ा मालूम अहवाल जानने के लिए अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अफगानिस्तान उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाजमी कर लें अगर आप आलम इस्लाम की और आलमी ख़बरें देखना चाहते हैं हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है खबरों की दुनिया उसे भी सब्सक्राइब कर लें अफगानिस्तान के हवाले से अहम खबरों का आगाज़ करेंगे सबसे पहले बात करेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान के खिलाफ अमरीका और दीगर अफगान तालिबान के दुश्मन बास नहीं आ रहे हैं और अफगानिस्तान के अंदर दहशत गर्दी बदमनी के वाकियात दोबारा से सर उठा रहे हैं पिछले चार हफ्तों में अफ़ग़ान तालिबान की जानब से मुल्क भर के अंदर सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम थे और चार हफ्तों के दौरान अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान के कोने कोने से जो ऑपरेशन करके दहशत गर्दों को पकड़ा उसका नतीजा था कि अफगानिस्तान के अंदर कोई बड़ा धमाका या किसी भी तरह की बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली दहशतगर्दों की जानब से लेकिन आज इक्राम अफसोसनाक खबर सामने आ रही है कि कल जुमे के रोज़ काबुल के अंदर एक मस्जिद में धमाका हुआ है और ये एक मरतबा फिर मस्जिदों पर दुश्मनों के दहशत गर्दों के हमलों की अलामत है इसे पहले चार हफ्ते पहले हमने देखा था कि काबुल के अंदर वजीर अकबर मस्जिद पर हमला हुआ जिसमें सौ के करीब लोग शहीद हो गए फिर काबुल के अंदर ही जो एक हज़ारा कम्यूनिटी का ताली इदारा था उस पर अटैक हुआ जिसमें साठ से ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ वो मारी गईं और इसी तरह से जो हरात के अंदर है तकरीबन दो ढाई महीने पहले गाजरगा मस्जिद पर हमला हुआ था जिसमें दो सौ से ज्यादा अफराद शहीद हो गए थे मौलवी रहमान अंसारी समेत तो ये अब एक मरतबा फिर मस्जिद पर अटैक हुआ है और वह भी काबुल के अंदर है जो एक पुराना इलाका था जहाँ पर एक कदीम मस्जिद थी उसमें अटैक हुआ है जिसके नतीजे में दस अफराद के शहीद होने की इतलात हैं और दस से ज्यादा अफराद के ही जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं अफगान तालिबान बताते हैं कि दुश्मनों के निन्यावे इशारिया नन्यानवे फ़ीसद जो मनसूबे हैं वो नाकाम होते हैं कोई एक जीरो पॉइंट जीरो वन परसेंट जो उनका कोई मनसूबा है वो कामयाब हो सकता है वरना हम उनके खिलाफ जो ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं उनमें दुश्मनों की कमर तोड़ कर रख दी गई है अब अफगानिस्तान के अंदर यह हमले कौन करवाता है ये बात वाज है अफगान तालिबान भी जानते हैं कि दाइश के नाम से एक ग्रोह है वो तालिबान पर अटैक करता है तालिबान उन्हें खबारिज कहते हैं और वह तालिबान को मर्त कहते हैं और दूसरी जानेब ये भी सवाल बड़ा अहम है कि दाइश को सपोर्ट कौन करता है तो अफगान तालिबान के बकौल इसे अमरीका और बाहर की दुनिया सपोर्ट करती है और अब तक जितने भी दाइश के सरगने पकड़े हैं उन्होंने एतराफ़ किए हैं कि हमें बाहर से फंडिंग होती है हमें बाहर से असलह मिलता है और हमें बाहर से टास्क मिलता है और अफगान तालिबान ने तकरीबन पचानवे फ़ीसद जो दाइश के मनसूबे हैं उन्हें पकड़ा है और उन्हें नाकाम बनाया है और इस वक्त भी मुल्क भर के अंदर अफ़गान तालिबान की इंटेलिजेंस एजेंसी जी डी आई और इसी तरह से अफगानिस्तान की बदरी तीन सौ तेरह फौज और दीगर फौजी इदारे ऑपरेशन कर रहे हैं और उनके मनसूबे नाकाम हो रहे हैं भारत का अफगानिस्तान के अंदर जो अमन है जो इस्तेकाम है और जिस तरह से खुशहाली अफगानिस्तान में लौट रही है यह दुश्मनों को हजम नहीं है इसलिए वो इस तरह के हमले करवाते हैं और अफगानिस्तान में तालिबान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और मस्जिदों पर अटैक करवाते हैं जिससे दरिंदगी वाज तौर पर झलकती है अब बात करेंगे एक और बड़ी खबर की खबर यह है कि अमरीका अफगानिस्तान के अंदर मुख्तल तरीकों से मदाखलत कर रहा है ना सिर्फ अमरीका बल्कि यूरोप भी मुख्तफ तरीकों से अफगानिस्तान में मदाखलत कर रहा है इस हवाले से एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि अब्दुल्ला अब्दुल्ला और हामिद करजई जो कि सबक हकूमतों में आलादों पर रहे हामिद करजई बाकायदा सदर रहे अफगानिस्तान के कई साल तक और जॉर्ज बुश ने जब हमला किया था तो उस ज़माने से वो सदर रहे और अमरीका की इमां पर हामिद करजई के ज़रिए से लाखों लोगों का खून बहाया गया अब हामिद करजई से अमरीकीयों ने रबते तेज़ कर दिए हैं और दूसरी तरफ से अब्दुल्ला अब्दुल्ला की भी हामिद करजई से मुलाकात हुई है अब बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के जो मौजूदा मसाइल हैं उनके हल के लिए या उन पर डायलॉग के लिए हामिद करजई और अब्दुल्ला अब्दुल्ला वो अमरीकी हुकाम से यूरोपीय हुकाम से रबते कर रहे हैं लेकिन आज ग्राम बताया जाता है अंदर से तालिबान के ज़रा की जानब से कि अमरीका चाहते हैं अफगानिस्तान में तालिबान की हकूमत को ख़त्म करवाया जाए इसके लिए अमरीका जो सबे के हुक्मरान हैं उनसे रबतों में है और उन्हें तालिबान के ख़िलाफ़ एक मनज़म सियासी और यहाँ तक कि मसल्ह तो वो करवा ही रहा है अपने एजेंटों के ज़रिए से मुनम सियासी जो हमले हैं वो तालिबान के ख़िलाफ़ करवाए जाएंगे तो इस सिलसिले में जनरल दोस्तम से और तुर्की के दी तुर्की के अंदर रहने वाले जो सबक अफगान हुक्मरान हैं उनसे जो अमरीका की अफगानिस्तान के लिए चार्टी अफेयर हैं करंट डेकर उनकी मुलाकात भी हुई है इसका वाज तौर पर मतलब यही है कि अफगानिस्तान के मामलों में अमरीका अब मुदाखलत कर रहा है तालिबान पर इल्ज़ाम है कि वो लड़कियों की तालीम के मुखालिफ हैं वो बच्चियों को पढ़ने नहीं देते हैं लड़कियों को काम करने नहीं देते हैं और वो इंसानी हकूक़ की वॉयलेशन कर रहे हैं मुसलसल तालिबान के अगेंस्ट ये ये, ये रिपोर्ट भी जारी हो रही हैं इंसानी के इदारों की जानब से अको मुतहदा की जानब से अमरीक़ा की जानब से हालाँकि तालिबान वाजह कर चुके हैं कि हमारे मुल्क के अंदर लोगों को हर तरह से हकूक़ मिल रहे हैं लेकिन चूँकि अफगानिस्तान की तरक्की कबूल नहीं है अफगानिस्तान का अमन कबूल नहीं है और अफगानिस्तान का मस्तकम होना कबूल नहीं है खुशहाल होना कबूल नहीं है इसलिए ये इस साजिशें हो रही हैं लेकिन अफ़गान तालिबान ने खबरदार किया हैं कि अगर कोई भी हमारे मुल्क में मदाखलत करेगा तो उसकी संगीन जो सज़ा है वो भुगतना पड़ेगी हम जब अमरीका के अफेयर में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं तो अमरीका भी हमारे अफेयर में मदाखलत ना करें हमें ये कबूल नहीं है दूसरी जानक्राम एक बड़ी ख़बर ये भी है कि काजस्तान के अंदर आस्ताना में वहाँ पहला समट हुआ है पहला इजलास हुआ है जो सेंट्रल एशिया की पांच रियासतों और यूरोपीय यूनियन के बीच हुआ है यानी सेंट्रल एशिया की पांच रियासतों और यूरोपीय यूनियन के बीच ये पहली नोयीत का ये इजलास था पहला ये ए, ए, ये मीटिंग थी पहली ये मीटिंग थी इसके अंदर अफ़गानिस्तान के अमूर को डिस्कस किया गया है अब यूरोपीय यूनियन के जो सरबरा है, वो है, है। हैं वो शरीक हुए हैं दीगर ऑफिशियल शरीक हुए हैं उन्होंने सेंट्रल एशिया की रियासतें जो कि पाँच हैं जिनमें ताजिकस्तान है तुर्कमानस्तान है उजबुकस्तान है करगिस्तान है कजाकिस्तान है ये जो पांच सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं इनको चूंकि ये अफ़गानिस्तान के पड़ोसी भी हैं इनको क़ायल किया है कि ये अमरीका और यूरोप के साथ मिलकर चलें बताया ये गया है कि ये जो मीटिंग हुई है आस्ताना में काजस्तान में इसके अंदर जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन है उस पर बातचीत हुई है कि लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है औरतों पर पाबंदियाँ हैं इंसानी हक़ की वॉयेशन है मुखालफ इनको कतल किया जाता है हालांकि नाजी ने अफगान तालिबान बताते हैं कि हमने अपने पड़ोसी मुल्कों को और दुनिया को ये ऑफ़र की है कि आप आएँ हमारे मुल्क में आकर देखें सूरत हाल क्या है लड़कियाँ खुश हैं बच्चियों की तालीम के इदारे खुल रहे हैं और लोगों को खुशहाली मिल रही है तो फिर हमारे ख़िलाफ़ इस तरह की मीटिंग्स क्यों हो रही हैं अफगान तालिबान कहते हैं कि दुनिया हमारे साथ पॉजिटिव वे में ताल्लुक रखना चाहती है तो रखे हम मसावी तल्लुत रखना चाहते हैं हमारे मुल्क से किसी मुल्क को कोई ख़तरा नहीं है ना दहशतगर्दी का ना किसी और चीज़ का लिहाजा हमारे खिलाफ जो इल्ज़ाम हैं वो बंद होने चाहिए और दुनिया हमारे साथ पॉजिटिव ताल्लुक रखे दूसरी जानब अफगान तालिबान ने अपने मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी के मामल हैं वो सख्त कर दिए हैं और इसी तरह से सफारती सतह पर अफगान तालिबान का चाइना रशिया तुर्की और दीगर मुल्कों से ताल्लुक भी बढ़ चुके हैं शायद यही वजह है कि दुनिया के अंदर बढ़ती मकबूलीत की वजह से अमरीका और यूरोप अफगानिस्तान में दोबारा घुसकर मदाखलत कर रहा है ये वीडियो आम कर दें मजद इस तरह की मालूमत और ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है जो कि अफ़गानिस्तान उर्दू के नाम से है उसे फॉलो कर लें अब तक के लिए ही इजाजत दीजिए सामने वाली वरहि वबरकू